सर पीछे तो देखो सर, गेट तो ओपन करो। अब क्या बचा ये गेट ओपन करने के लिए? अरे बंद कर दिया आपने। ले भाई गेट ओपन नहीं करते तुम जल्दी। सर भागो नहीं सर, सामने आ रहे हो आप। सर क्या कर रहे हो आप? कहाँ गए? वो सर को समझाना, रोड क्रॉस करने के पहले देखना जरूर। आप भी वही कर रहे हो। अरे वो सर को समझाना, अरे तुम भी वही कर रहे हो। अरे हटो, तुम सब बीच में क्यों आते हो? ये लो देखो जरा ऊंचाई। गया भाई ऊंचाई देखने। अरे भाई क्या कर रहे हो? ए भाई क्या कर रहे हो? हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कार्गो प्लेन का मॉड। तो गाइज ये ज़बरदस्त मॉड है। तो ये बहुत जायंट कार्गो प्लेन है और इस कार्गो प्लेन से आप 15 कार्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये है मॉड। देखिए इसमें आपको पैराशूट नहीं मिलता है, तो पैराशूट पे मैं वर्क कर रहा हूँ कि मैं सेपरेटली पैराशूट का मॉड हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके कार्स के लिए, वो मैं देखने वाला हूँ और फ्यूचर में मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइज ये है हमारा कार्गो मॉड, देखिए। तो अगर फीचर्स की बात करें तो आपको जायंट बड़ा कार्गो प्लेन मिलता है, उसमें आप 15 कार्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आप जो कार्गो प्लेन का रैंप है देखिए, उसे आप ओपन और क्लोज कर सकते हो। कार्गो प्लेन का जो नोज है उसे भी आप ओपन क्लोज कर सकते हो। तो देखिए आप ऐसे व्हीकल को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। और आपको ये ऑप्शन देता है कि आप 15 व्हीकल्स को अटैच कर सकते हो और डिटैच कर सकते हो। हम व्हीकल्स को अटैच इसके लिए करते हैं, आपका जब कार्गो प्लेन फ्लाई करता होगा तो हमारी कार्स गिरे ना, इसीलिए हम उन कार्स को अटैच करते हैं। तो अटैच कार का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो बेहतरीन फीचर है। ये देखिए नोज भी ओपन हो सकता है, तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है इस मॉड में। तो चलिए गाइज देखते हैं हम इस मॉड को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है। तो गाइज ये रहे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 में आपको इंस्टॉल करना है latest script hook v.net। एक स्क्रिप्ट का फोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि हम जो ये कार्गो प्लेन मॉड के स्क्रिप्ट्स हैं वो हम स्क्रिप्ट्स फोल्डर में कॉपी पेस्ट करने वाले हैं और आपको इंस्टॉल करना है नेटिव UI। तो गाइज ये चारों चीज़ें अगर आपके पास प्रेजेंट होगी तो ये आपकी मॉड बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगी। तो गाइज यहाँ पे ओपन IV और मॉड्स का फोल्डर ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो कि आपके मॉडिंग के लिए आप एक बेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप ये ओपन IV भी और मॉड्स का फोल्डर भी इंस्टॉल कर लेना। तो गाइज अगर आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका एक मॉड इंस्टॉलेशन के लिए बेस रेडी हो जाएगा और आप कोई और भी मॉड इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज स्टेप 1 में चारों भी पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस कार्गो प्लेन मॉड इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप ये सारी स्टेप्स को फॉलो कर लेना। तो गाइज ये सारी स्टेप्स मेरे हाउ टू इंस्टॉल फॉर्च्यूनर मॉड से कवर हो जाएगी। तो ये रहा मेरा हाउ टू इंस्टॉल फॉर्च्यूनर मॉड वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में बताया आपको कि ओपन IV कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटिव UI, script hook v.net हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी स्टेप्स को कवर किया है स्टेप बाय स्टेप और इजी वे से। तो आप इस वीडियो को देख लेना और ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना और स्टेप 1 आपकी कंप्लीट कर लेना। तो गाइज स्टेप 1 कंप्लीट होते हैं, हमें जाना है स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में आपको इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो 2013 और माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 4.5.2। तो हमें ये दोनों भी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है स्टेप 2 में। और फाइनली स्टेप 3 में हमें इंस्टॉल करना है कार्गो प्लेन मॉड। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर। तो गाइज ये मेरा हाउ टू इंस्टॉल फॉर्च्यूनर मॉड वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप स्टेप 1 को कंप्लीट कर लेना। और फिर हम बढ़ेंगे स्टेप 2 में, जहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2013। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो हम इसे करेंगे डाउनलोड यहाँ पर। तो आपके PC का जो बिट होगा 64 या फिर 86, उस हिसाब से आप ये वर्जन को डाउनलोड कर लेना। मेरा 64 बिट है इसलिए मैं 64 बिट डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसे करूँगा डाउनलोड। तो ये हो जाएगा डाउनलोड यहाँ पर। और उसके बाद में मैं इंस्टॉल करने वाला माइक्रोसॉफ्ट .NET 4.5.2, देखिए मैं इसे करूँगा डाउनलोड। तो देखिए ये भी हो जाएगा डाउनलोड यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर स्टेप 2 में हमारे जो भी रिक्वायर्ड .NET फ्रेमवर्क्स थे वो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दिए। तो फाइनली हम डाउनलोड करने वाले कार्गो प्लेन मॉड। तो ये है कार्गो प्लेन मॉड देखिए, तो यहाँ पे करंट वर्जन मिलेगा आपको देखिए ऑल वर्जन्स में, तो हम इसे करेंगे डाउनलोड यहाँ पर। तो गाइज ये भी मॉड हो जाएगा डाउनलोड। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ, जहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं इस कार्गो प्लेन मॉड को। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ओपन है हमारी डाउनलोडेड मॉड्स की फाइल और राइट साइड में ओपन है हमारी GTFI की मेन डायरेक्टरी। तो गाइज ये सारे मॉड्स हमने डाउनलोड किए हैं। तो गाइज यहाँ पे हम जाने वाले हैं स्टेप 2 में। स्टेप 1 हमने हाउ टू इंस्टॉल फॉर्च्यूनर मॉड वीडियो देख के कंप्लीट की है। तो हम बढ़ेंगे स्टेप 2 में, जहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2013। तो गाइज मैं इस पर क्लिक करूँगा,
तो गाइज ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस 2013 जो कि मेरे पास पहले से अवेलेबल है, इसलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। तो अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया तो इसे इंस्टॉल कर लेना। और देखिए ये हमारा .NET फ्रेमवर्क 4.5.2, तो ये भी मेरे पास पहले से ही प्रेजेंट है। देखिए ये .NET फ्रेमवर्क 4.5.2 मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। अगर आपके पास ये पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए गाइस यहाँ पे हमारे स्टेप 2 भी हो चुका है डन। तो आप बढ़ेंगे हम स्टेप 3 में जहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले कार्गो प्लेन मॉड को। तो देखिए ये हमारा कार्गो प्लेन मॉड, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे इंस्टॉल में जाना है आपको, स्क्रिप्ट्स में जाना है। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स फाइल मिलेगी, आपको सारी फाइल्स को यहाँ पे करना है कॉपी। और यहाँ पे आपको जाना है GTFI की मेन डायरेक्टरी में जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट्स का फोल्डर क्रिएट किया है, जो कि हमने हाउ टू इंस्टॉल फॉर्चून मॉड वीडियो देख के किया है क्रिएट। तो हमें जाना है स्क्रिप्ट्स में और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो देखिए हमारा ये कार्गो प्लेन मॉड की स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो चुका है डन गाइज। यहाँ पे हमने सारी स्टेप्स को फॉलो कर दिया है। पहले स्टेप में हमने मॉडिंग के लिए बेस क्रिएट की थी, सेकंड स्टेप में हमने .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया था, और थर्ड स्टेप में हमने इंस्टॉल किया इस कार्गो प्लेन मॉड की स्क्रिप्ट फाइल को। तो गाइज चलिए जाते हैं गेम में और देखेंगे हम इस प्लेन को हम स्पॉन कैसे कर सकते हैं और जानेंगे इस प्लेन की कीज के बारे में। तो गाइज यहाँ पे हमें बिग प्लेन को स्पॉन करना है। तो देखिए ये प्लेन तो बहुत स्मॉल है, हमारा जो कार्गो प्लेन वो बहुत बड़ा कार्गो प्लेन होने वाला है। तो अभी हमें इस प्लेन को करना है स्पॉन यहाँ पर, तो हमें शिफ्ट और सी प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस सी। तो देखिए आपको ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे स्पॉन कार्गो प्लेन। यहाँ पे हमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे कार्गो प्लेन मॉड के। देखिए जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं स्पॉन कार्गो प्लेन, ओपन क्लोज नोज, रिलीज और रेज रैम, रिपेयर कार्गो प्लेन, एंटर कॉकपिट एज पायलट, एंटर कॉकपिट एज को पायलट, एंटर कॉकपिट फुल स्पीड ऑटो पायलट। तो यहाँ पे आपको ऑटो पायलट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो प्लेन हमारा ऑटो फ्लाई करेगा, तो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है ये भी। तो लो स्पीड ऑटो पायलट, यहाँ पे लो स्पीड में हम ऑटो पायलट कर सकते हैं। और ये अटैच डिटैच व्हीकल ऑप्शन मिल जाता है, डिटैच व्हीकल ओनली। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे पहले हमें स्पॉन करना है हमारा कार्गो प्लेन, तो हम स्पॉन कार्गो प्लेन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा प्लेन आ गया है, देखिए इतना बड़ा जायंट प्लेन है ये, देखिए ज़बरदस्त बड़ा प्लेन है ये। देखिए यहाँ पर मैं F प्रेस करके बाहर आ रहा हूँ, तो ये कॉकपिट से बाहर आ रहा हूँ मैं। तो देखिए अब मैं प्लेन के अंदर हूँ यहाँ पर, तो आपको शिफ्ट और सी प्रेस करना है। देखिए आपको यहाँ पे रिलीज रेज रैम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो देखिए ये रैम हमारा रिलीज हो जाएगा। और देखिए ओपन क्लोज नोज भी है, तो हमारे प्लेन का नोज भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए तो ये नोज भी हमारे प्लेन को ओपन हो चुका है। तो देखिए हमारा प्लेन को दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये रहा हमारा जायंट प्लेन, तो ये रहा प्लेन। देखिए नोज भी ओपन हो चुका है, जो हमारा रैंप है वो भी हमने ओपन कर दिया है, ताकि हम हमारे व्हीकल्स को प्लेन के अंदर पार्क कर सकते हैं और उन्हें हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं कार्स को स्पॉन करने वाला हूँ, तो ध्यान में रखिए आप जब भी कार स्पॉन करोगे तो आप ऑब्जेक्ट स्पूनर से स्पॉन करना, ताकि वो कार्स डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा F8, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट स्पूनर में, यहाँ पर देखिए स्पूनर मोड ऑन करूँगा, और यहाँ पे हमें प्रेस करना है स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे व्हीकल ऑप्शन में जाऊँगा सुपर, यहाँ पे मैं अलग अलग कार्स को स्पॉन करने वाला हूँ। देखिए देखिए हमारी टैंक है, तो हम टैंक को भी यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी बड़ा ट्रक नहीं, चलिए इसे भी ट्राई करेंगे हम। देखिए ये ट्रक को भी मैं देख लूँगा ट्राई करके, तो ये हमारा ट्रक है, तो चलिए ट्रक को देखते हैं हम यहाँ पर। भाई ट्रक की हाइट कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर, हालत हो गई ख़राब। शिफ्ट और सी प्रेस करेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अटैच डिटैच व्हीकल, उस पर क्लिक करेंगे, तो हम इसे स्लॉट 10 में पार्क कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये स्लॉट में आ गया है, तो अभी हम बाकी कार्स को भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो आपको इसे प्लेन में लेकर जाना है, फिर आपको शिफ्ट और सी प्रेस करना है, अटैच व्हीकल करना है। देखिए और यहाँ पर मैं 15, तो देखिए हमारा स्लॉट 15 में आ गई है ये कार भी। तो गाइज यहाँ पे हमने 5 व्हीकल्स को अटैच कर दिया है हमारे प्लेन में, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लेन। तो हमें शिफ्ट और सी प्रेस करना है, यहाँ पे हम ओपन क्लोज नोज पे क्लिक करेंगे और नोज को क्लोज कर देंगे। देखिए हमारा ये नोज क्लोज हो गया है, अभी हम रैम को भी क्लोज कर देंगे। देखिए रैम को भी हमने क्लोज कर दिया है,
अभी हम एंटर कॉकपिट एज पायलट करेंगे, तो हम पायलट बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा प्लेन, और हम ये निकल पड़े हैं इतनी सारी व्हीकल्स के साथ। 5 व्हीकल्स को हम कैरी कर रहे हैं। तो गाइस ज़बरदस्त पावर है इस प्लेन में, ज़बरदस्त पावर है। देखिए यहाँ पे हम आसमान में आ गए हैं, तो ज़बरदस्त ऊंचाई हमने यहाँ पे पकड़ ली है। तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं इस प्लेन को हम ऑटो पायलट मोड पर कैसे चला सकते हैं। तो गाइस चलिए, आपको प्रेस करना है शिफ्ट और सी, देखिए। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फुल स्पीड ऑटो पायलट और लो स्पीड ऑटो पायलट। तो देखिए मैं फुल स्पीड ऑटो पायलट करने वाला हूँ यहाँ पर पहले, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी, आपने वे पॉइंट सेट नहीं किया है। तो अगर हमें प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर चलाना है तो हमें वे पॉइंट को सेट करना पड़ेगा पहले। तो हम यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे, और देखिए यहाँ पर मैं वे पॉइंट सेट करने वाला हूँ, तो हमारा प्लेन यहाँ तक जाएगा। तो ये हमने वे पॉइंट सेट कर दिया है। तो अभी आपको शिफ्ट और सी प्रेस करना है, देखिए। और यहाँ पर मैं फुल स्पीड ऑटो पायलट मोड यहाँ पर ऑन कर दूँगा। अगेन आपको फुल स्पीड ऑटो पायलट पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा प्लेन अभी ऑटो पायलट मोड पर चला गया है फुल स्पीड में। तो देखिए अभी ये ऑटोमेटिकली चल रहा है यहाँ पर। तो हमने जो डेस्टिनेशन सेट किया है वहाँ तक ये प्लेन ऑटो फ्लाई करेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। तो गाइस ये बहुत बेहतरीन मॉड है, तो आप इसे इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। तो गाइस हमारा ये प्लेन है वो लो स्पीड ऑटो पायलट मोड पर है। तो अभी हम जाने वाले कॉकपिट में, तो हम शिफ्ट और सी प्रेस करेंगे। देखिए हम एंटर कॉकपिट करेंगे, तो मैं कॉकपिट पे आया हूँ अभी। अगर आपका प्लेन फुल स्पीड ऑटो पायलट पे होगा तो आप गिर सकते हो बाहर प्लेन से, तो ध्यान रखिए। तो देखिए मैं आया हूँ कॉकपिट पे, हमारा प्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा है और हम यहाँ पर है। तो भाई देखिए, तो हमारी सारी व्हीकल्स यहाँ पे अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखिए शिफ्ट सी प्रेस करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पे प्लीज़ रैम करूँगा। तो देखिए हमारा रैम्प यहाँ पे ओपन हो चुका है। भाई ज़्यादा भी बाहर नहीं जाना, नहीं तो बाहर चले जाओगे। प्लेन ने अगर टर्न ले लिया तो देखिए, ओहो नीचे से प्लेन जा रहा है, देखिए प्लेन जा रहा है नीचे से। तो हम इतने ऊपर आ गए यहाँ पर, तो देखिए ज़बरदस्त मोड है ऑटो पायलट मोड। तो आप यहाँ से कार के साथ मैं यहाँ पे नीचे जंप भी कर सकता हूँ, तो हम जंप भी करेंगे हमारी कार से। हमने प्लेन का नोज भी यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो बहुत रिस्की है यहाँ पर देखिए। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे शिफ्ट और सी प्रेस करूँगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे अटैच और डिटैच व्हीकल में जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे लास्ट कार सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने इस टैंक को सिलेक्ट कर दिया है, हम अभी हैं प्लेन में। भाई जल्दी आ जा मेरे साथ, जल्दी आ जा। हाँ ये भाई मेरे साथ पीछे बैठ गया है। तो अभी हम दोनों भी जाने वाले हैं नीचे यहाँ पर, और ये हमने जंप कर दी है प्लेन से। ओहो देखिए भाई कैसे आराम से बैठा है, अभी से मज़ा चखाता हूँ। और ये हम आ गए हैं नीचे। ओहो भाई शानदार, आराम से आ गए हम, हमारा प्लेन भी चला गया। कुछ नहीं भाई, तो हम यहाँ पे नीचे आ गए हैं, हम नीचे ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं यहाँ पर देखिए। तो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। हम ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ लाते रहेंगे। गाइज मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।